आज लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण समाप्त हुआ। सुबह से ही आज कमी पड़ रही थी। 40 डिग्री तापमान में आगरा की जनता ने खुलकर मतदान किया। 60 साल के लोगों ने सुबह से ही मतदान करने निकले। महिलाओं ने सुरक्षा को लेकर वोट किया। नौजवान साथियों ने रोजगार को लेकर और विकास को लेकर वोट किया। जनता का यह मुद्दा रहे देखा जाए। आगरा लोकसभा में शाम 6 बजे तक 106 जलेसर, विधानसभा में 63.24, 86 एतमादपुर विधानसभा 589487, 87 आगरा छावनी 48.02, 88 आगरा दक्षिणी 51.78, 89 आगरा उत्तरी 51.19, कुल मतदान 54% हुआ। उत्तर प्रदेश के 10 लोकसभा क्षेत्रों पर चुनाव हो रहा है। आज चुनाव का तो आगरा का स्तर है, वोट स्तर वो बहुत कम हो रहा है क्योंकि गर्मी काफी पड़ रही है और लोग बाग वोट डालने आ रहे हैं, होली होली करके लोग वोट डालने आ रहे हैं। अब देखते हैं, लोगों से पूछते हैं कि लोग जो वोट कर रहा है किस मुद्दे पे कर रहा है, मुद्दा क्या है उनका वोट करने का। क्या नाम है तुम्हारा? प्रसाद। प्रसाद, आपने वोट कर दिया? कर दिए। किस मुद्दे पे वोट किया आपने? अच्छा नेता मिले हमें और हमारी बस्ती का विकास करे, ऐसा नेता चाहिए। क्या नाम है आपका? रही सिद्धि। रही जी, आप ये बताइए कि आपने किस वोट कर दिया? जी बिल्कुल वोट दिया है। तो आपने किस मुद्दे पे वोट किया है, किसके लिए वोट किया? हमने वोट दिया है ये जो चुनाव 2024 का जो आज वोट दिया है, देश की एकता अखंडता विकास के लिए वोट दिया है, बच्चों की शिक्षा के लिए वोट दिया है और खास करके जो आगरा का जो विकास है ना, मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पिछड़ा आगरा ही दिखता है। यहाँ की नगर निगम हो चाहे कोई भी हो, इतनी गंदगी यहाँ गलियों में है, कोई विकास नाम की चीज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए वोट दिया है।